और आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ राग भोग आरती करने की अनुमति मांगी। इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन वो टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी, तो आज इस मामले में सुनवाई होगी। पहले 18 नवंबर को यह सुनवाई होनी थी लेकिन उसे टाल दिया गया था हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ। पहले भी याचिकाएं और श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया गया। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आई आज जो सुनवाई, तो महत्वपूर्ण दिन, एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई। तो फिलहाल शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ करने की मांग की गई है, उसी को लेकर आज यह सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी है, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है और श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग वाली याचिका स्वीकार की गई है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो कोर्ट आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग आकृति मिली है उसके पूजा पाठ और राग भोग करने की अनुमति मांगी है। तो देखने वाली बात होगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या आज इस पर फैसला आएगा, क्योंकि आज जो फैसला आना है वो 18 नवंबर को आना था लेकिन उस दिन टाल दिया गया और आज 23 तारीख तय की गई थी जब ये सुनवाई होनी है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, आज वो फैसला आना है जो 18 नवंबर को आना था, यानी कि वो याचिका जो शिवलिंग जैसी आकृति बताई जा रही है उसकी पूजा पाठ राग आकृति आरती करने की अनुमति मांगी गई थी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? ममता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद ममता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे जरूर। लेकिन ये अपडेट हम आपसे साझा कर ही रहे हैं कि आज इस मामले में सुनवाई होनी है कि शिवलिंग की पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, वहीं हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई और श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग वाली याचिका भी स्वीकार की गई है। तो तमाम पहलू जिन पर धीरे धीरे सुनवाई की तारीखें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो लगातार यही मांग की जा रही कि आखिर क्या करना है, क्योंकि कई याचिकाएं और उन पर फैसला आने की उम्मीद। ममता एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ममता, शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ करने की मांग उठ रही है और इसी पर आज ये फैसला भी आना है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए दो नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उस पर पूजा पाठ की डिमांड की गई है इस याचिका में और 18 नवंबर को भी इसी याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारण से ये टल गई थी, इस पर जवाब दाखिल नहीं हुआ था और आज एक बार फिर से इस याचिका पर सुनवाई होनी है। तो देखना यही होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन दिया जाता है, जिस तरीके से याचिका में ये बात की गई है कि पूजा पाठ और आरती करने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दिया जाए, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया था उन्होंने क्या कुछ जवाब दाखिल किया है और इसके अलावा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश इस पूरे मसले पर दिया जाता है। बिल्कुल, चलिए ममता शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला रहता है, क्योंकि शिवलिंग की पूजा पाठ करने की लगातार मांग उठी रही थी और आज वो दिन है ही कि इस पर सुनवाई होनी है। 18 नवंबर को फैसले की तारीख तय की गई थी लेकिन उस दिन ये सुनवाई टाल दी गई थी, अब 23 तारीख चुनी गई है।